करनाल में पटाखे आतिशबाजी की बिक्री व पटाखों के प्रयोग पर जिला न्यायाधीश निशांत कुमार यादव ने प्रतिबंध लगा दिया है। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों हरियाणा वासियों को दिवाली के मौके पर 2 घंटे आतिशबाजी करने की छूट दे दी थी, ताकि हर साल की तरह लोग दिवाली पर आतिशबाजी कर धूमधाम से दिवाली का त्योहार मना सके और व्यापारी भी जिला प्रशासन से परमिशन लेकर पटाखों की बिक्री कर सके। लेकिन आज करनाल जिला न्यायाधीश निशांत कुमार यादव ने हानिकारक पटाखे जलाने से होने वाले संभावित नुकसान तथा कोविड-19 महामारी की स्थिति व सर्दी के मौसम को देखते हुए पटाखे आतिशबाजी की बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया से बातचीत में डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आदेशानुसार सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी संबंधित खंड में इन आदेशों को लागू करवाएं। इसके अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त करनाल व सभी नगर पालिकाओं के सचिव भी अपने अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को लागू करवाने के जिम्मेदार होंगे। यह आदेश तत्काल लागू होकर आगामी 30 नवंबर व 1 दिसंबर 2020 की आधी रात तक लागू रहेंगे। माननीय एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनकी तरफ से 9 तारीख को यानी परसों एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें इस बार कोविड-19 की महामारी को देखते हुए और जो विंटर सीजन आ रहा है उसको देखते हुए और जो एयर पोल्यूशन अभी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में है उसको देखते हुए उन्होंने एनसीआर एरिया के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पटाखे बेचने पे, छुड़ाने पे और मैन्युफैक्चरिंग पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। इसी आधार पे फिर हमने करनाल जिले में कल यानी 10 नवंबर को धारा 144 लगाते हुए पटाखों की बिक्री पे और पटाखे छुड़ाने पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 144 के ऑर्डर कर दिए गए हैं। अगर कोई भी उन आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, यानी अगर किसी ने पटाखे बेचने के लिए स्टॉल्स वगैरह लगाई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे या गुप्त रूप से कोई भी पटाखे बेचते हुए पाया गया या पटाखे छुड़ाते हुए पाया गया, तो धारा 144 की वायलेशन में आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो लाइसेंस मिलते थे बेचने के लिए, स्टॉल लगाए जाते हैं, तो इस बार करनाल जिले में कोई भी पटाखे बेचने के और स्टॉल लगाने के लाइसेंसेज नहीं दिए जाएंगे। सारी प्रक्रिया इस शहर में काफी रद्द कर दी गई। जो पटाखे हैं बेचने के या स्टॉल लगे पड़े फैक्ट्रियों में पड़े, उनके लिए उनको अब सीधे स्पष्ट रूप से एनजीटी के आदेशों के बाद ये डायरेक्शंस हैं कि किसी भी तरह की पटाखे चलाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी ने पहले से पटाखे खरीदे हैं, स्टोर कर रखे हैं, तो उनसे मेरी अपील रहेगी कि वो बिल्कुल भी उनको पटाखों को ना तो बेचें और ना ही छुड़ाएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.